नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आपने देखा कि 26 तारीख तक किस प्रकार यह परीक्षा ले गई। हालांकि 24 से 26 तारीख तक यह परीक्षा चली और इसमें न सिर्फ बिहार के बल्कि बाहर के अभ्यर्थी भी हिस्सा लेने आए। आपको यह भी पता है कि 170,461 पदों पर यह परीक्षा ली गई, लेकिन अब बारी है अभ्यर्थियों के कागजातों के जांच की, यानी कि प्रमाण पत्रों के जांच की, जिसके लिए बीपीएससी के द्वारा बड़ा निर्देश जारी किया गया है। और सबसे अहम बात ये कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके कागजातों की जांच, यानी कि उनके प्रमाण पत्रों की जांच गृह जिले में ही होगी। और इसे लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किया गया है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच 4 सितम्बर से होगी। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी अपने स्तर से 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच गृह जिले में ही कराएं। अभ्यर्थियों की ओर से जो प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं उन्हीं की जांच होगी। सबसे पहले आयोग के द्वारा उच्च माध्यमिक यानी कि 11वीं 12वीं के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आयोग पहले प्रमाण पत्रों की जांच करा कर देखेगा ताकि नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को ज्यादा परेशानी ना हो। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के निर्देश के बाद सभी डीएम को पत्र भेजा जा रहा है। वहीं एक दिन पहले भी अध्यक्ष ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि सबसे पहले उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12वीं का परिणाम आएगा। तो देखिए, परिणाम तो आएगा, लेकिन उसके पहले जो कागजातों की जांच है उसके लिए बीपीएससी की ओर से तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि इसे गृह जिले में ही संपन्न कराएं। और तारीख जो बताई गई है वो कहा गया है कि 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच अपने गृह जिले में कराएं। और ऐसे में अब नतीजों की बारी है। आपको पता है कि 170,461 पदों पर जो ये परीक्षा ली गई बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके पहले तमाम तरह की खबरें सामने आई, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। राजधानी पटना में कई बार अभ्यर्थी सड़कों पर भी उतरे, लेकिन इन सबके बीच, इन तमाम विरोध के बीच में आखिरकार सरकार ने परीक्षा ली। और इस परीक्षा के कंडक्ट हो जाने के बाद जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कागजातों की जांच के लिए बीपीएससी ने बड़ा निर्देश जारी किया है और कहा है कि तमाम जिलों में जो है गृह जिले में अभ्यर्थियों के कागजातों की जांच होगी और जो अपलोड किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण पत्र उन्हीं की जांच सबसे पहले कराई जाएगी। 11वीं 12वीं के नतीजे पहले आएंगे, यह भी अतुल प्रसाद ने साफ कह दिया था। तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई, पहले आपने ये भी जाना, उसके बाद किस प्रकार 24 से 26 तारीख तक ये परीक्षा ली गई। तमाम जिलों में केंद्र बनाए गए थे, पटना में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, तो वहीं पूरे बिहार में भी कई परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा ली गई। इसके बाद कड़ाई के तमाम इंतजाम रखे गए, ताकि आपको पता है कि बिहार में एक और भी बात बार बार उठती है और ये बात होती है पेपर लीक की। पहली बार नहीं बल्कि कई बार ये पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद अब बीपीएससी के द्वारा, हालांकि बीपीएससी में एक ही बार पेपर लीक का मामला सामने आया है, लेकिन उसके बाद चूंकि बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा और देश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, ऐसे में बीपीएससी ने एक भी कोर कसर नहीं छोड़ी ताकि इस परीक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। लेकिन अब कागजातों की जांच गृह जिले में कराए जाने का निर्देश बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है और 4 से 12 सितंबर तक इस प्रक्रिया को कराया जाए। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।